तो जी, रणजी ट्रॉफी मुकाबलों का दूसरा दिन और आज हम बात करते हैं दूसरे दिन की बड़ी परफॉर्मेंसेज की। जो टॉप मैचेस हैं हम उन्हीं की बात करेंगे और कुछ नोटिसेबल परफॉर्मेंसेज होंगी वो ज़रूर आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कल आप सबने बोला था कि सिर्फ टॉप 5 मैचेस पिक ना करें, आप जो इम्पॉर्टेंट और नोटिसेबल परफॉर्मेंसेज हैं वो भी वीडियो में बताएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिपुरा वर्सेस गोवा के मैच की, और त्रिपुरा ने एक बड़ा स्कोर इस मैच में गोवा के खिलाफ बना दिया। हालांकि अगर देखें तो कंपैरेटिवली गोवा एक मजबूत टीम है। त्रिपुरा की तरफ से सरिंदम पाल ने जो 112 रन की पारी खेली, रिद्धिमान साहा जो कप्तानी कर रहे हैं त्रिपुरा की टीम की उन्होंने 97 रन की पारी खेली, और मणिशंकर मूरा सिंह कंट्रीब्यूशंस लगातार आते रहते हैं। मतलब गेंदबाजी में भी इनसे आप कंट्रीब्यूशंस देखते रहते हैं, बल्लेबाजी में भी। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि त्रिपुरा जैसी टीम में मणिशंकर मूरा सिंह जो है वो इतना नीचे बल्लेबाजी क्यों करते हैं, हमेशा वो 8 नंबर पर ही क्यों बल्लेबाजी करते हैं। अगर आप एक स्टेट टीम जो शायद उस लेवल की नहीं है जैसी बाकी आपकी रणजी ट्रॉफी की टीम है उसमें 8 नंबर बल्लेबाजी करते हैं, तो अगर कभी आपके इंडिया सिलेक्शन की बात हो तो फिर ये चीज आपके अगेंस्ट जाती है। अगर वो टॉप 6 में बल्लेबाजी कर सकते हैं अपनी स्टेट टीम के लिए और ये 50-60 को 100 में बदल सकते हैं, वो ज्यादा बड़ी चीज होगी, उससे उनका दावा ज्यादा मजबूत होगा। गेंदबाजी की बात करें तो बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, गेंदबाजी में लगातार विकेट्स निकालते हैं, और स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट उनका कोर है जो उन्होंने पिछले कुछ वक्त से दिखाया है और जो रिकॉर्ड वो होल्ड करते हैं ओवरऑल। गेंदबाजी की बात करें गोवा की तरफ से तो लक्ष्य गर्ग को 2 विकेट मिले, अर्जुन तेंदुलकर को 2 विकेट मिले जो पिछले सीजन से है गोवा के लिए खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे। उसके अलावा मोहित रेडकर ने 4 विकेट हासिल किए, तो उनकी तरफ से अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जब गोवा की बल्लेबाजी आती है तब भी त्रिपुरा की टीम हावी नजर आ रही है, क्योंकि 53 पर 4 विकेट गिरा दिए हैं जिसमें अभिजीत सरकार ने 3 विकेट लिए हैं और राणा दत्ता ने 1 विकेट हासिल किया है। तो मतलब गोवा कंपैरेटिवली एक बड़ी टीम जिस पर त्रिपुरा हावी होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें बंगाल वर्सेज आंध्रा के मैच की, जहां पर बंगाल के लिए सेंचुरी लगी थी अनस्तु मजुमदार की और अभिषेक पोरल की तरफ से जो है 70 रन की पारी आई थी, तो 409 रन बने थे। आंध्रा अभी थोड़ा सा मुश्किल में नजर आ रही है क्योंकि 409 के जवाब में 119 पर 3 हो गए। लेकिन अच्छी चीज यह है कि आंध्रा के लिए उनके कप्तान हनुमा विहारी अभी नॉट आउट बैट्समैन है और शेख रशीद फाइनली कुछ प्रॉमिसिंग इनिंग शायद खेल रहे हैं क्या, 32 रन बना करके वो नॉट आउट हैं। अगर कल के दिन ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को आगे लेके जाते हैं तो अच्छी चीज होगी। गेंदबाजी की बात करें बंगाल की टीम की तो आकाशदीप ने 1 विकेट निकाला, मोहम्मद कैफ ने 1 विकेट निकाला, ईशान पोरेल को विकेट जरूर नहीं मिला लेकिन प्रदीप्ता प्रामाणिक के खाते में भी 1 विकेट देखने को मिला। तो इस मैच में अभी बहुत सारा एक्शन बाकी है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार वर्सेज मुंबई के मैच की। मुंबई ने 251 रन किए थे जिसमें तनुष कोटियान का 50 था और कुछ टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के रन थे। उसके बाद बिहार की बैटिंग आती और मोहित अवस्थी जिस तरह से उन्होंने व्हाइट बॉल में गेंदबाजी की थी यहां पर भी वो कंटिन्यूएशन जारी है। 4 विकेट 22 रन देकर के 11 ओवर में 2 मेडन के साथ उन्होंने डाले, एंड ही इज अ क्वालिटी फास्ट बॉलर। जरूर एज को लेकर के सवाल उठेंगे कि ही इज 31 और इंडिया खेल सकते या नहीं खेल सकते, बट आई बिलीव कि क्वालिटी डू मैटर एंड ही इज द बॉलर हु हैज द क्वालिटी, पोटेंशियल, पेस, स्किल सेट, वो सब कुछ है उनके पास और जहां भी खेले वो इंप्रेसिव रहे हैं। ओवरऑल आप देखें विकेट तो बहुत सारे प्लेयर ले रहे हैं, रन भी बहुत सारे रन बना रहे हैं, बट अल्टीमेट क्वालिटी की बात करते हैं वो मोहित अवस्थी के पास है क्योंकि वो हर फॉर्मेट में कर भी रहे हैं। स्किल सेट आपको बाकी गेंदबाजी करते हुए देख के आपको दिख जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें शिवम दुबे भी 2 विकेट लेके गए हैं। शिवम दुबे ने 6 ओवर में 3 मेडन फेंक के 13 रन देकर के 2 विकेट हासिल किए हैं। फिलहाल 89 पर 6 है बिहार की टीम, तो मुंबई की टीम गेम में काफी आगे नजर आ रही है उस गेम में अगर बात करें। उसके बाद सौराष्ट्र वर्सेस झारखंड का मैच, जहां पर कल 142 पर ऑल आउट हो गई थी झारखंड की टीम और हार्दिक देसाई जो कल के नॉट आउट बैट्समैन थे आज के दिन उन्होंने 85 रन बनाए, सेंचुरी मिस आउट कर गए। और यही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं यंगस्टर्स के लिए कि ये जो सेंचुरीज मिस हो जाती हैं अगर बनती रहें तो शायद आपका ग्राफ आगे जाता रहता है। एंड हार्दिक बहुत जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन रहे, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक में देखें तो इस वक्त ना कंपटीशन काफी बढ़ गया विकेट कीपर बैट्समैन में, कई सारे नाम इमर्ज होके आ गए। जैसे ध्रुव जोरेल का परफॉर्मेंस एकदम से ऊपर आ गया, कुमार कुशाग्र उस रेस में
शामिल हो गए। राजस्थान से देखेंगे मैच जरूर नहीं हो रहा वहां पर जहां आज मैं कवर करने के लिए गया था, बट कुणाल सिंह राठौर भी जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में इमर्ज होके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हार्दिक देसाई को रनों में थोड़ी कंसिस्टेंसी बढ़ानी पड़ेगी और ओवरऑल जो फर्स्ट क्लास का एवरेज उनका 34 का ही है उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। शेल्डन जैक्सन ने 50 जरूर किया, लेकिन चेतेश्वर पुजारा डोमेस्टिक क्रिकेट में दोबारा से अपना लोहा मनवा रहे हैं, 157 रन बना करके नॉट आउट बैट्समैन हैं, ये बड़ी चीज़ है। अर्पित बांसवाड़ा ने 68 रन बनाए और प्रेरक मांकड़ उनके साथ जो है वो 23 रन बना करके नॉट आउट बैट्समैन है, तो 406 रन बना लिए 142 के जवाब में सौराष्ट्र की टीम ने। गेंदबाजी की बात करें अगर झारखंड की, तो वहाँ पर कोई खास इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, एक एक विकेट ज़्यादातर गेंदबाजों ने लिया है। सो अनुकूल रॉय के खाते में भी एक विकेट आपको वहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद केरला वर्सेस यूपी के मैच की बात करें और ये मैच इंटरेस्टिंग बन रहा है, भले ही यूपी ने 302 रन बनाए थे, रिंकू सिंह के 91, ध्रुव जेरल की जो 60 रन की पारी थी और जबरदस्त दो पारियां देखने को मिली उसकी वजह से 302 बने, लेकिन केरला की टीम ने 220 बना लिए 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अगर आप केरला का स्कोर कार्ड देखेंगे ना तो उसमें बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत सारे बैट्समैन को स्टार्ट मिले हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। जैसे आप रोहन प्रेम की बात करेंगे तो कुछ स्टार्ट उनको मिला वो नहीं कन्वर्ट कर पाए, सचिन बेबी ने भी 38 बना के कन्वर्ट नहीं किया, श्रेयस गोपाल अभी नॉट आउट बैट्समैन है, उसके अलावा संजू सैमसन 35 रन बना करके आउट होकर चले गए, तो अच्छा स्टार्ट कहीं ना कहीं उनको मिल गया था लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं संजू सैमसन, और डोमेस्टिक का सीजन उनका ओवरऑल अच्छा नहीं गया। वनडे क्रिकेट में जरूर उन्होंने इंडिया के लिए एक सेंचुरी बनाई थी, लेकिन इन सब में विष्णु विनोद ने एक जबरदस्त पारी खेली है 74 रनों की, शायद वो भी सेंचुरी होप करेंगे। और विष्णु विनोद इस स्टेज ऑफ इस करियर आकर के जो एक होता है ना कि जैसे प्लेयर पुराना होता जाता है तो कुछ नई चीज आती जाती है ना गेम में, तो पिछले दो सीजन से मैं देख रहा हूं चाहे वो T20 क्रिकेट का फॉर्मेट हो या रेड बॉल क्रिकेट हो, विष्णु विनोद थोड़े से अलग प्लेयर नजर आ रहे हैं। कि एक तरफ तो जैसे डोमेस्टिक आपकी जिस लेवल पर चल रही है, सारे प्लेयर जिस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, आपको कुछ प्लेयर थोड़ा सा उनसे अलग लेवल के प्लेयर नजर आने लगते हैं, तो विष्णु विनोद इज दैट काइंड ऑफ कैटेगरी। बट परफॉर्मेंस 74 रन, आप कितना वेटेज देंगे वो एक सवाल रहेगा। यूपी की गेंदबाजी की बात करें तो अंकित राजपूत को एक विकेट मिला, यश दयाल को एक विकेट मिला, सौरभ कुमार को एक विकेट मिला और कुलदीप यादव ने 3 विकेट हासिल किए हैं अपने 18 ओवर के स्पेल में, 166 रन देकर के। तो अच्छी गेंदबाजी जो है वो कुलदीप यादव की तरफ से भी देखने को मिल रही है, लेकिन मैच ये इंटरेस्टिंग हो रहा है केरला वर्सेस यूपी की बात करेंगे। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मैच की बात करें, पंजाब वर्सेस कर्नाटका। पंजाब की टीम T20 क्रिकेट में ना बहुत जबरदस्त टीम बनके निकली थी और ये ऐसा लग रहा है कि वो T20 की ही टीम बनके इस सीजन रह गई है, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली उन्होंने जीता, उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी हॉरेबल था उनके लिए और रणजी ट्रॉफी का पहला गेम भी उनकी बैटिंग साइड के लिए हॉरेबल दिखाई दे रहा है, 152 पर ऑल आउट तो हुए ही हुए। जब कर्नाटका की बल्लेबाजी आती है तो कर्नाटका ने स्कोर बना दिया है 461 पर 6, जिसमें बात करेंगे देवदत्त पाडिकल की, डबल सेंचुरी मिस आउट कर गए, 193 रन किए उन्होंने 216 गेंदों पर 24 चौके और 4 छक्कों के साथ। तो देवदत्त पाडिकल जो 5 सेंचुरी उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में बनाई थी उसको फॉर्म को यहां पर वो कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ में मनीष पांडे भी 100 बना के चले गए 118 रन, तो ये दो टॉप परफॉर्मर देखने को मिले कर्नाटका की तरफ से। और गेंदबाजी की बात करेंगे अगर पंजाब की, तो अर्शदीप सिंह के खाते में 2 विकेट थे, प्रेरित दत्ता को 2 विकेट मिले और नमन धीर सरप्राइजिंगली जो प्राइमरीली एक बैट्समैन है वो यहां पर 2 विकेट लेकर के गए। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मैच गुजरात वर्सेस तमिलनाडु, और एक्चुअली मैं समझूं तो ये अच्छा कंपटीशन जहां पर दो टीमों के बीच देखने को मिल रहा है। तो गुजरात ने किए थे 236 रन, जहां पर तमिलनाडु के तेज गेंदबाजों ने शानदार वापसी कराई थी, जिसमें मोहम्मद के 5 विकेट थे, संदीप वॉरियर के 5 विकेट थे और उस 236 के जवाब में तमिलनाडु ने बनाए 250 रन, जिसमें अगर रन्स की बात करेंगे तो प्रदोष रंजन पॉल ने 35 रन किए, लास्ट में जो टेलेंडर्स ने यहां पर रन बनाए मोहम्मद ने 5 विकेट लिए पहले, उसके बाद 85 रन बनाए, संदीप वॉरियर ने 4 विकेट लिए थे 38 रन बनाए, तो दो गेंदबाज नीचे से जो रन बना के गए हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, नहीं तो 8 विकेट जो है वो 119 रन पर गिर गए थे तमिलनाडु की टीम के। और गुजरात की गेंदबाजी की बात करेंगे तो कप्तान चिंतन गाजा के खाते में 2 विकेट थे, अर्जन नगवासवाला ने बेहतरीन गेंदबाजी की है जो रेड बॉल क्रिकेट से वो करते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, 35
देकर के 3 खिलाड़ियों को आउट किया और रवि बिश्नोई रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा करते हुए देख करके बहुत सुकून देने वाली चीज है। 73 रन देकर के 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है, तो ये बड़ी खबर है। हालांकि जो विकेट्स आप देखेंगे उन्होंने लिए हैं उसमें नारायण जगदीशन का है, साई किशोर का विकेट है, मोहम्मद जिन्होंने 85 रन किए उनका विकेट है, तो ये कुछ विकेट जो है वो उनकी तरफ से देखने को मिले। उसके बाद बात करते हैं एमपी वर्सेस उत्तराखंड के मैच की। तो एमपी ने 323 बनाए थे, सारांश जैन की सेंचुरी बनी, वेंकटेश अय्यर के 89 थे और उसके बाद उत्तराखंड जो है वो 170 पर 6 हो गई है। और गेंदबाजी की बात करेंगे एमपी की तो कुमार कार्तिकेय के खाते में 4 विकेट हैं 51 रन देकर के, और सारांश जैन जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी ऑफ स्पिनर उन्होंने भी 1 विकेट हासिल किया है, तो स्पिनर्स ने ही विकेट यहां पर निकाले हैं। उसके बाद बड़ौदा वर्सेस उड़ीसा के मैच की बात करें तो यहां पर 2 खिलाड़ी इस मैच में चमकते हुए नजर आए। एक तो अतीत सेठ जिन्होंने बल्ले से 57 रन की पारी खेली, मितेश पटेल जिन्होंने 116 रन की पारी खेली, साथ में आप निनाद राठवा को भी उसमें रख सकते हैं क्योंकि निनाद राठवा ने 48 रन की पारी भी खेली थी और बाद में जब गेंदबाजी की बारी आई तो विकेट भी लिए। अतीत सेठ ने 3 विकेट लिए, उसके अलावा निनाद राठवा ने 2 विकेट लिए और जो सेंचुरी की थी वो 1 सेंचुरी देखने को मिली थी। अभिमन्यु सिंह राजपूत भी इस मैच का हिस्सा है जिन्होंने 1 विकेट हासिल किया, हालांकि बल्ले से वो ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। और उड़ीसा की बात करेंगे तो गोविंद पोदार के 68 रन हैं, हालांकि कोई बड़ी और परफॉर्मेंस उड़ीसा की तरफ से देखने को नहीं मिली इस मैच में। उसके बाद दिल्ली और पौंडिचेरी के मैच की बात करें सो दिल्ली की टीम स्ट्रगल कर रही है और इतने ज़्यादा खिलाड़ी इस बार दिल्ली के स्क्वाड का हिस्सा थे, इतना शायद ही कभी किसी टीम में स्क्वाड का हिस्सा इतने सारे प्लेयर रहे हों, और ये दिखाता है कि दिल्ली की क्रिकेट किस तरह से चल रही है। पौंडिचेरी की टीम के खिलाफ 148 रन पर ऑल आउट हो गई है और पौंडिचेरी ने 113 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की क्रिकेट कितना मुश्किलों में हाल फिलहाल जो है वो अभी आपको नजर आ रही है, क्योंकि उस टीम में ना मयंक यादव को सेलेक्ट किया गया, ना जो है वो हर्षित राणा को सेलेक्ट किया गया और बहुत सारे सिलेक्शन को लेकर के सवाल थे। और सिलेक्शन को लेकर के सवाल सिर्फ ये रणजी ट्रॉफी में नहीं है, दिल्ली की क्रिकेट में व्हाइट वॉल क्रिकेट में भी रहे हैं, चाहे वो ऋतिक शौकीन का सिलेक्शन हो या वो प्रियांश आर्या का सिलेक्शन हो या मैंने जो दोनों फास्ट बॉलर की बात की सुहैल शर्मा का सिलेक्शन हो, तो ये कुछ सिलेक्शन जो है वो क्वेश्चनेबल रहेंगे, होने चाहिए थे नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर टीम परफॉर्म नहीं करती तो वो सवाल और बड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है बिकॉज दिल्ली की क्रिकेट में ये कुछ वक्त से चल रहा है, हमने पहले भी वीडियोस में आपको ये बताया था, और दिल्ली की टीम इसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है डोमेस्टिक के टूर्नामेंट जो भी हो रहे हैं। तो दोस्तों ये था ओवरऑल दूसरे दिन का हाल रणजी ट्रॉफी के मैचेस का, और आपको जो मैच पता ही है कि हम जो कवर करने के लिए गए थे राजस्थान वर्सेज हरियाणा, वहाँ पर दूसरे दिन भी कोई खेल नहीं हो सका। तो ये था ओवरऑल वीडियो, आपको पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके लिए हम ये कंटेंट लगातार लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू एंड गुड।